नमस्कार दोस्तों, इन सीढ़ियों पर मैं बैठा हुआ हूँ, इत्मीनान से बैठा हूँ और आप लोगों से चर्चा चल रही है और बहुत सारे फैंस ने हमसे ये पूछा है कि भाई आप अगर T20 वर्ल्ड कप के इतिहास को देखते हैं तो आप देखते हो कि रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा 8 वर्ल्ड कप खेले हैं जबकि विराट कोहली ने सिर्फ 5 वर्ल्ड कप खेले। रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप तो विराट कोहली से कम खेला, वो तो 2011 के वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे, वो 2015-19-23, जबकि विराट कोहली तो 2011 के वर्ल्ड कप में खेले 15। तो वनडे वर्ल्ड कप में विराट कोहली जो है रोहित शर्मा से 1 वर्ल्ड कप ज़्यादा खेले हुए हैं और T20 वर्ल्ड कप में 1 नहीं 2 नहीं 3, ऐसा कैसे हुआ? इस पहेली को सुलझाइए। तो मैंने सोचा कि चलो ये बात जो है बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं तो इसको मैं बताना चाहूँगा। दरअसल रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर की कहानी अपने आप में दिलचस्प है। रोहित शर्मा ने जो अपने करियर की जो शुरुआत की थी वो बहुत ही उन्होंने एकदम तूफानी अंदाज में किया था और यही वजह है कि 2006 में रोहित शर्मा एक बैच सीनियर है विराट कोहली से, अंडर 19 की अगर बात करें तो 2006 में रोहित शर्मा ने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में। उस वर्ल्ड कप में मैं भी गया था, पहली बार मेरी रोहित से वहीं मुलाकात हुई थी। उस टीम में जडेजा थे, पीयूष चावला थे और चेतेश्वर पुजारा थे, तमाम खिलाड़ी थे और रोहित शर्मा में वो जो टैलेंट था वो एकदम तेंदुलकर वाली जो बात, उसको ही वॉज डेस्टिन टू बी ग्रेट शुरू से ही कहा जाता था। बॉम्बे से आते थे, उनके बारे में हाइप भी थी और इससे तुरंत धोनी ने कहा कि भाई ये खिलाड़ी तो हमें चाहिए, ठीक है ना, कप्तान बने, सब लोगों को पता था। रोहित शर्मा ने तुरंत 2007 में उन्होंने आयरलैंड में अपना डेब्यू किया था और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में वो जाते हैं, जाके वो छा जाते हैं। उस समय विराट कोहली जो है, अगर आप देखा जाए 2007 में विराट कोहली तभी अंडर 19 क्रिकेट ही खेल रहे थे, क्योंकि मैं भी 2006 में विराट से मिला था लेकिन तभी वो अंडर 19 है। अब रोहित ने 2007 खेल लिया, 2007 का तुरंत जो है 2009 का वर्ल्ड कप हो गया, 2010 का हो गया बैक टू बैक, ठीक है। विराट कोहली क्या कर रहे थे, विराट कोहली जो है 2006 से अंडर 19 खेलना शुरू किया, 8 में वो चैंपियन बने, उसके बाद 9 से उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपनी दावेदारी भरनी शुरू की, 8 में उन्होंने डेब्यू किया लेकिन इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर इतना पैक था कि विराट को मौके ही नहीं मिल रहे थे, वनडे क्रिकेट में मौके नहीं मिल रहे थे और T20 इंडिया तो जो है इंटरनेशनल बहुत कम खेलती थी, IPL खेलती थी, वो चिन एकदम सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलती थी। अब विराट कोहली की जगह ही नहीं थी वनडे में, तो उन्होंने किसी तरह से 2010 में इतना अंधाधुन खेल दिखाया कि उनको मजबूरी में, धोनी मजबूर हो गए उनको वनडे वर्ल्ड कप में शामिल करने को। लेकिन उस दौर तक में 2009 में या 2010 तक में विराट जो है इंडियन टीम में अपनी जगह जो है सीमेंट नहीं कर पाए और यही वजह है कि पहले शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो उन्होंने 3 वर्ल्ड कप मिस किए, लेकिन जब 2012 में विराट आया, मुझे याद है विराट का मैंने इंटरव्यू भी किया वहाँ पर वो, और उस समय आपको अगर मौका लगेगा तो चैनल में जाके देखना, उस समय मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे सवाल भी पूछा था कि राहुल द्रविड़ ने उनकी तारीफ़ की थी, क्योंकि 2012 में राहुल द्रविड़ ने तभी कहा था, आज राहुल द्रविड़ हेड कोच हैं, उस समय राहुल द्रविड़ ने कहा था कि विराट कोहली जो है अक्रॉस द फॉर्मेट इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन है। अब सोचिए ये विराट कोहली का रुतबा था कि वो जब आप पहले T20 वर्ल्ड कप में खेलने आए तो उस समय तक वो भारत के बेस्ट बैट्समैन बन चुके थे और ये बात विराट खुद नहीं कह रहे थे, ये बात राहुल द्रविड़ कह रहे थे। और ये सवाल जब मैंने विराट से पूछा था इंटरव्यू में, उनको ICC प्लेयर ऑफ द ईयर मिला था, तो विराट, वो इंटरव्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूँ। तो विराट, और उसके बाद से विराट ने मुड़कर नहीं देखा, 2012 में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए, 2016 में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो विराट की कहानी उसके बाद से चमकी, लगातार उन्होंने अच्छा खेल दिखा, पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया। तो अब विराट और रोहित की कहानी जो है, भले ही 3 वर्ल्ड कप आगे पीछे हो सकता है, वनडे वर्ल्ड कप में रोहित विराट उनसे आगे हैं, रोहित से वर्ल्ड कप खेलने के मामले में और शायद आगे ही रहें, लेकिन और T20 वर्ल्ड कप में रोहित उनसे आगे रहेंगे, लेकिन दोनों के लिए ज़रूरी होगा कि यहाँ पर एक वर्ल्ड कप दोनों एक साथ चैंपियन बने, जिस तरह से धोनी और युवराज वो वनडे वर्ल्ड कप का भी चैंपियन का हिस्सा थे, 2007 टीम का भी हिस्सा थे और दोनों टीमों में एक दूसरे के टीममेट थे। विराट और रोहित लेजेंड रहे हैं मॉडर्न गेम के और इनको मौका नहीं मिला है एक साथ प्लेइंग 11 हो, चाहे 2011 में जब विराट थे तो रोहित नहीं थे उस टीम में, 2007 में जब रोहित चैंपियन बने थे तो विराट नहीं थे, ये पहला मौका होगा
जब विराट और रोहित साथ साथ चैंपियन बन सकते हैं 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान, ये बहुत करीब आया था। उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये सीढ़ियां हैं आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, विराट और रोहित के लिए भी ये सफ़र और ये ट्रॉफी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी। आप बताइएगा हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।